जी, तो बात मैं आपको ये बता रहा था कि पैलेट जो है वो साफ अगर इक्वल आपने लगा दिया, लेकिन आपको फिर इसकी फर्दर वो वही बात आ जाती है कि आपने यानी कि सर्कल जो है ना वो लगा के देखे, सर्कल से चूंकि ये डिफाइन होनी थी ना। ये देखे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये देखे अब आप दोबारा पॉलीगॉन बनानी है तो आप क्या, ये देखे सर्कल आपने ये लगा दिया, ठीक हो गया। सर्कल लगा के फिर वही काम करना पड़ेगा कि वो काम ये है कि ये देखे अब आपने ये पॉइंट और इसको अगर आप सर्कल पे ये लाते हैं, ठीक है ना, ये देखे ये क्या है, ये देखे ये है जी कोइंसिडेंट, ठीक है ना। इसी तरह आप कोइंसिडेंट कांस्टेंट लगाते जाए, ये देखे ये सिलेक्ट किया और फिर जो है वो ये सर्कल सिलेक्ट किया, ये फिर कोइंसिडेंट इसके ऊपर आ गया, फिर इसी तरह ये देखे ये पॉइंट सिलेक्ट किया और फिर ये सर्कल। यानी आपको एक बात का जो पता चलता जाएगा, ये देखे सारे हर पॉइंट ये देखे एक और ये, सॉरी ये और ये भी कोइंसिडेंट, और इसी तरह ये सर्कल, और कंट्रोल बटन प्रेस करके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जैसे दो सिलेक्ट करते हैं, सॉरी वंस अगेन। क्या चीज है कि अब आपने ये सर्कल है कंस्ट्रक्शन और ये लाइन, और इसको करना है जी, ये क्या कह रहे हैं मुझे सर, हम इकट्ठे कोइंसिडेंट कांस्टेंट नहीं लगा सकते। नहीं इकट्ठे कैसे, एट वन टाइम दो पे लगाएंगे ना, इकट्ठा नहीं लगा सकते। एट वन टाइम जो है वो दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, इकट्ठा कैसे लगाएंगे आप। एट ए टाइम, एट वन टाइम यू कैन सिलेक्ट ओनली टू, ठीक है ना। ये देखे आपको सारा कुछ करके बताता हूँ, ये वैसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कंट्रोल और ये पॉइंट, ये देखे ये कोई सी, ये देख ले। अब इसका मतलब है अब आपने ये सारे कर लिए, अब ये ऑटोमेटिकली कोइंसिडेंट इसके ऊपर हो गया है, देख लें। यानी एक दो तीन चार पांच, अब ये हेक्सा बांध दिए, इसके छह जो है ना वो किनारे थे। अब आपने जब कितने किए, एक दो तीन चार पांच, पांच कर दिए हैं तो छठा ऑटोमेटिकली हो गया है। लेकिन अब देखें क्या हम देखते हैं कि क्या जो सिक्स्थ है वो उसके ऊपर कॉन्स्टेंट की जरूरत हमें है ना। हम देखते हैं एक मिनट, ये इसको हम करते हैं, हमें वो लगेगा ऐसे कि उसके ऊपर हो गया है, लेकिन एक्चुअली जो है ना वो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। भला कैसे, ये देखना कंट्रोल बटन प्रेस करें और यही सर्कल दोबारा सिलेक्ट करें, अब ये इक्वल, अब देख लें। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब आपके पास वन लेस देन द नंबर ऑफ साइड जो है, यानी वन लेस, यानी अगर हेक्सागॉन थी तो पांच आपने कोइंसिडेंट कांस्टेंट लगा लिए हैं, तो छठा जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी पॉलीगॉन बन जाती है, लेकिन स्टिल वो कंट्रोल्ड नहीं है। तो आपने छठा भी यानी पूरे इक्वल जो है वो कांस्टेंट ये देखे सारे लगा के अब आपने सही हेक्सागॉन बना ली है, ठीक हो गया। तो ये सारी असल में देखें सॉफ्टवेयर में लर्निंग ही यही इसी चीज की है, वरना बाकी तो चीजें है वो ट्राइंगल ये बनानी और इसके बारे में ये कॉन्स्टेंट एक्सप्लेन करना, यही तो सबसे बड़ा इशू होता है। चैलेंज खैर, तो ये पॉलीगॉन मैंने बना दी, पैलेट कमांड आपको करवा दी, आगे आए जी। हमने आगे जो है वो क्या काम करना है, अगली सेंटर लाइन कमांड है जी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताओ यार, पॉलीगॉन वगैरह में या स्टार वगैरह में किसी में अगर आपका कोई क्वेश्चन है पैलेट कमांड में तो आप मेरे से ऑरली जो है वो पूछ सकते हो चैट में, जल्दी शाबाश जल्दी, इतनी जल्दी के पता चले कि आपने जो है। अच्छा अब आपको ये पता चल गया ना कि इसके अंदर कितनी है, यानी पॉलीगॉन है सिंगल कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री है,
और वो है जी यानी कॉन्स्ट्रक्शन सर्कल है। सर ये लाइंस नॉट इक्वल कैसे हुई थी? हाँ नॉट इक्वल कैसे हुई थी कि आपने इक्वल कॉन्स्टेंट जो है वो रिमूव कर दिया था, तो ये देखें ये रिमूव कर दिया था तो ये देखें ये अब ऐसे कर लें तो ये नॉट इक्वल हो गए ना, यानी जिस जिस पे अनइक्वल करते जाएंगे तो वो जो है वो अनइक्वल होती जाएगी। इक्वल कॉन्स्टेंट आप हटा दें, अब देख लें इसको चेंज कर दें, ये देखें दो अनइक्वल हो गई हैं, सही है ना, लेकिन अब दोबारा इक्वल कर दें तो दोबारा सही हो जाएंगी। मसलन कैसे, ये इक्वल कर दें और इसके ये ले इक्वल हो गई, ठीक है। अब फिर जो है वो क्या है, इसको और इसको ये भी इक्वल कर दें, ठीक है ना, तो ये देखे दोबारा जो है वो बन गई। अच्छा आपने देखा है कि जब आप पॉलीगॉन बनाएंगे तो आपके पास ओनली वन सेट ऑफ इक्वल कॉन्स्टेंट लगेगा, कभी भी किसी पॉलीगॉन में वो जो है वो कोई इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं लग सकता, क्योंकि इसके अंदर सारी साइडें इक्वल होती हैं हमेशा, तो इक्वल वन कॉन्स्टेंट लगा हुआ है। ओके हो गया जी, ओके सर ठीक हो गया। आ जाए यार, ये आपने कॉन्स्टेंट की प्रैक्टिस बड़ी करनी है, सही है ना सर। ये इक्वल दो या थ्री समझा भाई, इक्वल टू या थ्री मैं समझा देता हूँ बिल्कुल। आप जनाब सर हॉरिजेंटल नीचे है तो ऊपर भी होनी चाहिए, हाँ या ये लो भाई ऊपर। असल में पता क्या है, कभी रिडेंडेंट कॉन्स्टेंट नहीं लग सकते ना, वजह यह कि वो इक्वल भी है ना, वो पॉलीगॉन ने और सर्कल ने उसको डिफाइन कर लिया ना, ये वजह है। अब इक्वल यहाँ पे एक हॉरिजेंटल वो तो रेफरेंस उसने बता दिया, लेकिन जो ऊपर वाले की आप बात कर रहे हैं वो रिडेंडेंट बन जाएगा ना अगर आप ऊपर। एक मिनट ये देखें, मैं कहता हूँ ये मैंने सिलेक्ट किया, ये मैं हॉरिजेंटल लगाता हूँ तो वो रिडेंडेंट बन गया ना, वो कहता है कि यार ये जो पहले कॉन्स्टेंट लगे हुए थे वो उसकी वजह से वो उसको डिफाइन कर रहे थे, उसकी ओरिएंटेशन जो है वो यही बनती थी, तो आप इसको बाकी किया तो किसी को एक रिमूव करें, तो आपको वो रिमूव करना पड़ेगा हॉरिजेंटल शो करना चाहते हैं, सही है ना मेरे। हाँ जनाब आप लोगों को जो है ना वो किसी क्वेश्चन की वो कमी नहीं पड़ती, लेकिन ये अब ये देखो ये दो दो रोल नंबर लिखे हुए 375 ने, तो अब इनमें से पता नहीं ये सही कौन सा, ये जाएगा एक तो जाएगा लाजमी तौर पर। अभी मैं देखता हूँ कि जो जब ऐड दोनों हो जाते हैं ना तो किसी एक को रिमूव करते हैं यार, ये हाल है इन लोगों का, ये डबल डबल पता नहीं लिंक पे क्लिक करके ऐड हो जाते हैं। जी तो ये आ गया पैलेट कमांड, आगे आ जाएंगे सेंटर लाइन कमांड पे। सर इक्वल समझा दें दो, हाँ हाँ दोबारा, ये जी इक्वल का मतलब ये देखो मैं बताता हूँ आपको ना, अब ये देख सॉरी कंस्ट्रक्शन में हम इसको ज्योमेट्री लगाते हैं, इक्वल टू समझाता हूँ जी आपको, ये देखें ये लाइन है और अब हम क्या करते हैं इसी तरह एक और लाइन लगा देते हैं, लगा दी ये दो लाइनें, सही है। ये देखें ये पैरेलल वन है ना, पैरेलल वन की जरूरत ही नहीं है, हमें इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये देखें जी ये दो हैं, अब हम क्या है इनको सिलेक्ट करते हैं, इनको हम कर देते हैं बराबर, कर दिया बराबर, ये देखें इक्वल। अब ये देखें इन पे इक्वल टू लग गया, यानी अब इक्वल टू का मतलब ये है कि इनमें से ये जो दो लाइनें हैं इनमें से कोई भी इनमें से पॉलीगॉन की साइड के बराबर नहीं है। अब इक्वल थ्री लगाना चाहते हैं तो आप थ्री भी लगा लें, ये देखें कैसे वो एक लाइन सेगमेंट और बना लें, ठीक है ना, ये बना लिया, ठीक है बन गया। अब हम क्या करते हैं दोबारा उसी तरह काम करते हैं कि ये देखिए ये इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये आ गए, ये देखें इक्वल थ्री भी आ गया, यानी अब इसका मतलब है कि ये वाला जो पेयर है इनमें से लाइनों का इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर नहीं है, आई समझ या नहीं जी। क्वेश्चन चैट में टाइप करने हैं, यू विल नॉट बी रेजिंग योर हैंड्स बिकॉज आई विल नॉट बी अलाउंग माइक्स, और आपके अलावा 2020 सेशन के भी मेरी यही तरीकाकार है हर सेशन का कि दे ओनली टाइप इन चैट,
सर इक्वल समझा दे दो, मैंने समझा दिया। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो बाद में एक दफ़ा देख लेना तो आप लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन आपको पता है नखरों का इलाज दुनिया में किसी के पास होता ही नहीं है, सही है, ये बात मैं समझा रहा हूँ। मेरी बस मजबूरी है कि मैं आप लोगों को जो है ना, वरना आप लोगों के जितने नखरे हैं ना तो मुझे जो है ना ये पसंद नहीं होते। तो आप लोग जो है वो सही तरह जो है ना वो चीज़ों को समझा करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, फ्रॉम द प्रीवियस वीक टिल नाउ आई ट्वाइस डिड डाउनलोड एंड ट्राई टू इंस्टॉल कर यू फोर आर एनी लेटेस्ट वर्जन ऑफ कर यू बट आई फेल्ड इन बोथ ट्राई, प्लीज मेक अस अ फिजिबल अप्रोच टू वायरस फ्री वेबसाइट। चलें जी, ये मैं देखूंगा जी आपका ये जो क्वेश्चन है ये मुझे समझ आ गया, चैट में पड़ा हुआ भी है, तो इसमें देखेंगे यार ये अब डाउनलोडिंग वाली बात तो जो है ना मेरे पास भी वर्जन पड़ा हुआ है, अब किसी तरीके से या तो मेरे से मिल के ले लें। तो चलें जी आए जी, भला हम थे पैलेट कमांड हमने कर ली, अच्छी तरह कर ली, हमें समझ भी आ गई, हमें पता चल गया कि इसके अंदर कॉन्स्ट्रक्शन ज्योमेट्री होती है एक, और इक्वल कॉन्स्टेंट लाजमी होता है, और कोइंसिडेंट यानी कौन से दो कॉन्स्टेंट इसमें लाजमी होते हैं, इक्वल कॉन्स्टेंट लाजमी होता है और कोइंसिडेंट कॉन्स्टेंट लाजमी होता है, ये याद रख लें, ठीक है ना, कि कौन से जो है। गूगल ड्राइव पे यार भाई पे गूगल ड्राइव की बहुत बड़ी स्पेस उसने लेनी है, वो मेरे से नहीं डाउनलोड होता, ठीक है। तो जो मैंने आपको बता दिया बस मैंने बता दिया, ठीक है ना, मेरे से बहस नहीं करते, जो आपको बताया आप नेट से हो सकता है इससे अच्छा वर्जन डाउनलोड कर लोगे, तो आपने मिलना है तो पर्सनली कोई मिल के ले ले, सही है ना, USB में, तो वो ड्राइव में 4-5 GB का है, मेरे पास ड्राइव में इतनी स्पेस नहीं है गूगल की, उसके ऊपर लैपटॉप रखने होते हैं मैंने, तो फिर अपलोडिंग कर जाना वो बड़ा टाइम लगता है। अच्छा जी, तो खैर वो देखते हैं, वो बाद की बात है। मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं कि क्या है कि जो पॉलीगॉन है, ठीक है ना, पॉलीगॉन हैज टू मस्ट जो है वो कॉन्स्टेंट्स, वो कौन कौन से दो कॉन्स्टेंट्स हैं जी, इक्वल है एंड क्या है कोइंसिडेंट, ये इक्वल एंड कोइंसिडेंट कॉन्स्टेंट उसमें लाजमी होते हैं, ठीक हो गया। चलें जी अब आए जी, भला किस पे, सेंटर लाइन पे, मैं ये डिलीट कर रहा हूं सारा कुछ, सेंटर लाइन, और लेकिन ये सेंटर लाइन में अब एक फर्क थोड़ा सा समझना, आप देखते हैं कि ये भी एक सेंटर लाइन, ये डेटम एरिया लिखा हुआ है ना, इसके अंदर भी ये सेंटर लाइन है और एक ये सेंटर लाइन है, सही है ना, इसमें और इसमें फर्क क्या है। इस पे पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, क्रिएट्स अ टू पॉइंट ज्योमेट्री सेंटर लाइन, और इस पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट्स अ टू पॉइंट कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन। तो आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ना वो वाइवा का या क्विज का क्या बन गया कि जो कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन है वो किस मोड मॉड्यूल में होती है, स्केचिंग वाले जो है वो टैब में होती है, यानी स्केचिंग वाले टैब में होती है कंस्ट्रक्शन लाइन, और डेटम वाले जो है वो उसमें टैब में क्या होती है, ज्योमेट्री सेंटर लाइन, सही है, यानी जो कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन जो है वो किसके होती है, इज इन स्केचिंग टैब में, ठीक हो गया ना, और जो ज्योमेट्री सेंटर लाइन है वो किस टैब में होती है, वो होती है डेटम सेंटर लाइन में। आ जाए यार, सेंटर लाइन का आप एप्लीकेशन देखें, हमने सिर्फ ऊपर वाली टाइप करनी है, सेंटर लाइन का एप्लीकेशन जो है वो क्या है, अब इसका एप्लीकेशन को आप समझ लें, इसका एप्लीकेशन होता है जी मिरर कमांड में, यानी मिरर कमांड में, सही है ना। अब इसमें जो मिररिंग होती है समझें, उस तरह नहीं होती जैसे आप ऑटोकैड में काम करते थे, मसलन आपको समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या है जी, ये मैंने एक रैंडम सी जो है वो ज्योमेट्री बना ली, लूप बनाने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे बना दी है। सर इट वर्क्स लाइक ए रे कमांड इन ऑटोकैड, नो, इसका आंसर जो है वो है नो, ठीक है ना, इसका आंसर जो है वो नो है, क्योंकि रे कमांड उसमें ऑटोकैड में वो इन्फिनिट लाइन होती थी, है ये भी इन्फिनिट, लेकिन वो जो है वो एज ए सॉलिड लाइन यूज होती थी, लेकिन ये एज ए सॉलिड लाइन नहीं यूज होती, इसका काम सिर्फ मिररिंग करना होता है, मिरर करना होता है और या सिमेट्रिक कॉन्स्टेंट अप्लाई करना होता है। भला कैसे, देखना ये आपने एक ज्योमेट्री बनाई है, आपने अब इसको मिरर करना है, तो आप ये सेंटर लाइन सिलेक्ट करेंगे, भला कौन से वाली, ये सेंटर लाइन सिलेक्ट कर ली,
अब आप किसी भी जगह चाहे हॉरिजेंटल लगा लें, वर्टिकल लगा लें, वर्टिकल लगा लें, अभी ये देखें वर्टिकल कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन लगाई, ये लग गई। अब अगला काम यानी क्या है, पहले ज्योमेट्री मौजूद हुई फिर ये सेंटर लाइन लगाई। अगला टास्क क्या है, वो ये है कि आपने ये ज्योमेट्री सिलेक्ट कर ली, ये देखें ये सिलेक्ट कर ली, ठीक हो गया ना। अब ये ज्योमेट्री जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो असल में क्या चीज होती है, यानी असल में ये देखिए ना, मिरर कमांड वैसे आगे है लेकिन उसके ऊपर भी ये यूज होती है, ये ज्योमेट्री, ये आपने ज्योमेट्री सिलेक्ट कर ली, मिरर कमांड वैसे ना ये आगे थी, उस भी एप्लीकेशन है, ये देखें तो ये जो है वो मिरर हो गई। लेकिन मैं मिरर से पहले ना एक और बताता हूँ आपको, ताकि जो है ना वो आपको, हम अभी इसी में रहते हैं स्केचिंग में, एक मिरर का एप्लीकेशन आप लिख लें, यानी मिरर का एप्लीकेशन आपको बता दिया। दूसरा है इसका कि सिमेट्रिक कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन, यानी टू मेक द पॉइंट सिमेट्रिक अबाउट द गिवन सेंटर लाइन, ये इसका ये पर्पज होता है। यानी एक काम क्या होता है कि मिररिंग एन ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या है कि सिमेट्रिक जो है वो ऑब्जेक्ट को करना। अब कैसे भला, मैं बताता हूँ यार आपको सारा कुछ बताता, अभी मिरर तो वाला बाद में हम करते हैं, हम एक काम और करते हैं जी। मैंने कहा यार फॉर एग्जाम्पल मैं सेगमेंट उतना ही बना लेता हूँ, कोई मसला नहीं, ये अब ये क्या है, चलें ऐसे बना लें, सही है। ये ज्योमेट्रीज आपको नजर आ रही है, ये कॉन्स्टेंट हटा दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये कॉन्स्टेंट मैंने हटा दी, ये कॉन्स्टेंट भी मैंने हटा दी है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स मैंने हटा दिए हैं, ये तो वर्टिकल है ना सेंटर लाइन का, कोई कॉन्स्टेंट इस पर नहीं लगा हुआ। अब मैंने काम क्या करना है जी, सेंटर लाइन मैंने जो है वो लगाई, अब मैं चाहता हूँ कि मसलन अब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में सिमेट्रिक हो जाए, सही है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है सिमेट्रिक हो जाए, कैसे भला यार, मैं इधर से ना नोटेशन से जो है ना वो थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या हो जाए, वो सिमेट्रिक हो जाए, तो मैं क्या काम करूंगा, तरीकाकार वर्किंग देखें जी, मैंने ये काम करना है कि ये वाला पॉइंट ये देखिए इस पर क्लिक किया, ठीक है, और दूसरा जो है वो मैंने इस पॉइंट पे जो है वो क्लिक किया, ठीक हो गया। अब इसमें एक मिनट देख लें कि यहाँ पे कहता है हॉरिजेंटल, ये डिस्टेंस कहता है, ये वर्टिकल, ओके, ये कोइंसिडेंट, कोई मसला नहीं, नो इश्यू। और अब आपने जो है वो कॉन्स्टेंट्स भी इसमें आगे आते हैं, ये देखें ये सिलेक्ट करें, और अच्छा अब कुछ कॉन्स्टेंट ऐसे होते हैं जो उसमें साइड मेन्यू में नहीं आते, मसलन आप सिमेट्रिक कॉन्स्टेंट अगर आप देखें ना तो ये खड़ा हुआ है, ये देखें कॉन्स्टेंट में आता है, तो सिमेट्रिक कॉन्स्टेंट जो है वो इस पर क्लिक कर दे, सही है ना, ये आ गया। अब आपने करना क्या है कि इसमें से ये पॉइंट वो कहता है पहले सेंटर लाइन, सॉरी पहले वो सेंटर लाइन कहता था, लेकिन चले खैर ये हो गया। ये देखें अब आपने देखा कि ये जो सिंबल है वो किस चीज़ की है, सिमेट्रिक कॉन्स्टेंट की है, यानी ये जो दो सिंबल्स लगी हैं ये सिमेट्रिक कॉन्स्टेंट की हैं। अब सिमेट्रिक कॉन्स्टेंट का फायदा क्या हुआ कि जितना ये पॉइंट जो है वो ये देखें इसके नज़दीक आएगा उतना ही ये पॉइंट देखें एक दूसरे की मिरर इमेज बन चुके हैं, ये देखें सही है, तो ये सिमेट्रिक कॉन्स्टेंट का एप्लीकेशन है। अब ये पॉइंट देखें मैं अगर मूव करता हूँ तो ये वाला पॉइंट नहीं मूव कर रहा, अब ये देखें ना वैसे अपेरेंटली तो उसके लग रहा है लेकिन ये इस पर सिमेट्रिक कॉन्स्टेंट अप्लाई नहीं हुआ। मैं इस पर भी अप्लाई करता हूँ, वो कैसे, इसी तरह ये सिमेट्रिक कॉन्स्टेंट ये मौजूद है और मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और फिर जो है वो इस पॉइंट को, अगर आप सिमेट्रिक और ये लाइन ये देखें तो ये अब जो है वो दोनों पॉइंट जो है सिमेट्रिक बन गए। अब ये देखें आप बेशक ऐसे जो है वो ये कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। अभी जो ये पॉइंट्स है ना ये अभी नॉन सिमेट्रिक है, अभी मैं एग्जैक्ट आपको मिरर बना के देता हूँ, अभी दोबारा सिमेट्रिक लगाएं, भला कैसे, इस पॉइंट पे लगा लें और आप जो है वो दूसरा पॉइंट ये था इस पे और ये सेंटर लाइन सिलेक्ट करें, ये भी सिमेट्रिक हो गए, ठीक है, तीन पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट भी मैं सिमेट्रिक करता हूँ, वो कैसे, ये पॉइंट सिलेक्ट करें और ये पॉइंट सिलेक्ट करें, ठीक है ना, और फिर सेंटर लाइन सिलेक्ट करें तो ये भी सिमेट्रिक हो गए, हो गए। अब हमारे पास एक पॉइंट बच गया, वो पॉइंट ये है लास्ट ये वाला,
और फिर जो है वो है ये वाला पॉइंट और ये, ठीक हो गया ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये फुल्ली जो है वो क्या चीज बन चुकी है, मिरर इमेज बन चुकी है, ये देख ले। यानी अगर आप इसकी मिरर मिरर कमांड से जो है वो बनाएं तो ये सेम जो है वो मिरर इमेज बनेगी। देखें ये देख ले, जितना इस तरह मूव करते हैं उतना ही जो है वो हर तरफ जो है हर पॉइंट मूव होता है, और एग्जैक्ट मिरर इमेज बन चुकी है। ये देखें अगर आप इसको जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को ये देखें मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल आप इनको क्लिक करते हैं और आप कर देते हैं ये देखें कोइंसिडेंट, तो ये देखें लूप बन गया, देखें इस तरह भी लूप बन गया, ओके हो गया। तो ये आप देख लें कि ये आपको कि कैसी जो है वो ये बात ये पता चले, ठीक हो गया। अब कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, ओके हो गया, समझ आ रही ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताई है जो मैंने, कि आपने क्या है कि असल में मिरर कमांड का यानी मिरर कमांड के अंदर कॉन्स्टेंट कौन सा लगता है, सिमिट्रिक। तो एक्चुअली सेंटर लाइन किस लिए यूज होती है, वो सिमिट्रिक कॉन्स्टेंट अप्लाई करने के लिए यूज होती है या मिरर करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके दो फंक्शन है मेनली, सिमिट्रिक कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन और मिरर कमांड अप्लाई करना, सही है ना। मिरर के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो सिमेट्रिक कांस्टेंट लग जाते हैं, लेकिन सिमेट्रिक कांस्टेंट आप इंडिपेंडेंटली भी लगा सकते हैं, सही है ना, वो कमांड यूज करके, सही हो गया। तो ये असल में ये था, ओके हुआ या नहीं। अच्छा मसलन अब ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट है, ये दो पॉइंट मैंने लगा दी, एक मैंने इधर लगा दिया एक इधर लगा दिया। असल काम होता है कि दो पॉइंट्स को सिमेट्रिक करना है उसने। अब देखें ये दो पॉइंट्स हैं, ये अब नॉन सिमेट्रिक है, मैंने इनको सिमेट्रिक करना है, तो वही तरीका है कि मैं क्या काम करूंगा, ये पॉइंट सिलेक्ट करता हूं और ये पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब ऐसे ना हमें कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं है, हमें चूंकि इधर से मिरर सिमेट्रिक कांस्टेंट लेना चाहिए डायरेक्ट, ये सिमेट्रिक कांस्टेंट, ये पॉइंट और ये देखे ये लाइन। अब आप चेक करें कि ये जो दो पॉइंट्स लग गए हैं, ये देखे अब जितना एक डिस्टेंस पे एक जा रहा है दूसरा भी उसी डिस्टेंस पे जा रहा है, तो ये सिमेट्रिक की वजह है, ठीक हो गया। तो चले जी पॉइंट का जो है ना वो आपको पता चल गया, तो आपको पॉइंट भी बता दिया, कंस्ट्रक्शन पॉइंट भी और सेंटर लाइन भी बता दी, गुड हो गया जी। अब हम लास्ट जो है वो बहुत नजदीक हैं इसके जो है वो स्केचिंग के, हम ये सारी ज्योमेट्री डिलीट कर रहे हैं। अब अगली चीज जो है वो थोड़ी सी ये है कि ये एडिटिंग में आ जाते हैं जी। एडिटिंग में पहली चीज क्या है, मॉडिफाई, इसको हमने नहीं करना, हमने करना है जी डिलीट सेगमेंट। डिलीट सेगमेंट क्या चीज है, ये ट्रिम कमांड है, जैसे ऑटोकैड में ट्रिमिंग नहीं होती थी। मसलन ये देखें यार, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो है वो सारी ज्योमेट्री बनी हुई, तवज्जो रहे तवज्जो, सही है ना। चैट में टाइप तब करें जब मैं कोई क्वेश्चन करूँ, सही है ना। चैट में सर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है वो भी बताऊंगा ना, जो मैं बात बता नहीं रहा आप वो पूछ रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता हूँ जी। हाँ ये अच्छा कोऑर्डिनेट, अच्छा ये कह रहा है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप ऐसे समझ लें जैसे थिकन कमांड अभी नहीं की, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, सही है ना। वे यूज़ कहाँ पे होता है, ये साफ दर लोकलाइज जो है वो यहाँ पे यूज़ होता है, जब हम करेंगे आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ बस उनको ग्रिप करते जाएँ, ठीक है ना। चले जी तो कमांड में अगली करवाने जा रहा हूँ, एडिटिंग में है ये, आपने याद भी रखना है कि कोई कौन सी कमांड किस जो है वो टैब में है, स्केचिंग में कौन कौन सी है, डेटम में कौन सी है, मैं ये भी पूछ सकता हूँ, तो ये आप समझ ले, इसको रट्टा मत समझे बाहर, ये आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर के नॉलेज के लिए। ट्रिम स्केच एंटिटीज, अब ट्रिमिंग इसके अंदर बड़ी आसान है। ऑटोकैड में तो क्या होता था, जैसे आपको याद पड़ता हो कि एक नाइफ एज सिलेक्ट करते थे और उसके बाद जो है वो जो है ना वो होता था, लेकिन अब फिर आप सिलेक्ट ऑल कर लेते थे और आप क्लिक करते जाते थे तो वो ट्रिम जो है वो होते जाते थे। इसमें जो है ना वो ये दोनों काम है, ये देखें आपने इसको जो है वो जहाँ इंटरसेक्शन है ये देखें इस पर क्लिक कर दिया तो ये ट्रिम भी हो गया डिलीट भी हो गया, सही है ना। अब ये देखें इंडिविजुअली आप जिस जिस सेगमेंट पे क्लिक करते जाएंगे जहाँ इंटरसेक्शन है उससे पहले पहले डिलीट होता जाएगा, अच्छा ये हो गया। एक इसके अंदर फास्ट डिलीट है वो फेंसिंग है, ये देखें आपने दो सेगमेंट ये डिलीट करने हैं ना या ट्रिम करने हैं, तो आप क्या है ये देखें ऐसे करके ये कर ले, ये फेंसिंग ये ट्रिम हो गए। इसी तरह अब आपने क्या ये देखें ऐसे करके ये कर ले ये ट्रिम हो गए, ये इन दोनों को करना है इन तीनों को करना है, ये देखें ये डिलीट भी हो गया ट्रिम भी हो गए, सही है ना, ये देखें ये हो गए। अब इन दोनों को करना है ये देखें ऐसे, ये देखें ये ट्रिम हो गए और ये सही है।
तो ये भी रिमूव हो गए, इसमें अंदर रिमूव भी हो जाते हैं। अगर आपको याद पड़ता हो कि ऑटोकैड में क्या होता था कि अगर एक सिंगल लाइन सेगमेंट एंड पे बच जाता था तो वो कभी ट्रिम नहीं होता था, उसको डिलीट करना पड़ता था, लेकिन इसमें ट्रिमिंग और डिलीशन दोनों काम कौन सा करता है, वो डिलीट सेगमेंट या ट्रिम सेगमेंट ही करता है। ओके हो गया। अब रह गई मिरर कमांड, ये आपको मैंने अभी के अभी समझाई है, सही है ना। उसके बाद एक ये कमांड है डिवाइड। डिवाइड क्या काम करता है, डिवाइड का पर्पज ये होता है कि ये मसला दो सेगमेंट में, अब देखें ये सिंगल लाइन सेगमेंट है, ये भी बड़ी यूजफुल है, हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है कि हमने क्या है इसको दो किसी जगह पे डिवाइड करना है, तो हम क्या काम करेंगे, ये देखें डिवाइड पे सिलेक्ट करेंगे और ये देखें यहाँ पे क्लिक कर दें। अब ये जिस जगह पे ये डिवाइड हुआ है ना, अब ये देखें पैरल वन कॉन्स्टेंट लग गया कि ये पैरल तो है आपस में, अब ये डिवाइड पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब डिवाइड पॉइंट को आप चाहे जय वो अक्सर इसके अलावा ये ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया जी डिवाइड, आगे आ गया जी ये क्या चीज है कॉर्नरिंग, इसको छोड़ें, ये डिलीट सेगमेंट बता दिया। मिरर आपको मैंने अभी अभी बताया है, आपने मिरर करना है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ मेरे भाई, ये मिरर कमांड है ना, ये सर रिपीट कर दें सर डिवाइड, यार डिवाइड में कुछ भी नहीं होता, डिवाइड में फॉर एग्जांपल मैं कह रहे हैं आर्क बना देता हूँ आपको ना, चले ये देखें ये एक आर्क बन गई। अब आपने इसको डिवाइड करना है, मतलब मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड करना है, तो आप बस जितने पॉइंट पे ये क्लिक करते जाएंगे ना उतने सेगमेंट बन जाएंगे। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये देखें ये एक मतलब तीन पोर्शन में डिवाइड हो गई है, ये देखें आप चाहे मिडल वाला डिलीट कर दें, ये देखें मिडल वाला डिलीट कर दिया, बाकी ये दो रह गए, सही है, सही हुआ या नहीं, ये होता है जी डिलीट। ओके हो गया। अच्छा अब ये बड़ी यूजफुल कमांड है, एक और चीज बताता हूँ यार आपको, मिरर कमांड आपको मैंने अभी अभी समझाई, आई होप आपको समझ आई होगी मिरर कमांड। अब मिरर कमांड जो है वो बताई है सर, मिरर कमांड का थोड़ा बता दे, मिरर कमांड मैं आपको बताता हूँ कि मिरर कमांड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी ज्योमेट्री किसी भी किस्म की जो है वो बना सकते हो, जैसे अब ये ज्योमेट्री मतलब मुझे मैंने इसको मिरर करना है, ठीक है, तो क्या काम करूंगा, मिरर कमांड के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या है कि सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन लाइन में इधर लगा लूंगा, किसी एंगल पे लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे नहीं लगाई, ये ज्योमेट्री होनी चाहिए और कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए यानी सेंटर लाइन होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद अभी देखें ये इस पे क्लिक करता हूँ तो अभी तो इनएक्टिव है, उसके लिए जरूरी है कि पहले ज्योमेट्री सिलेक्ट करें इस तरह जो है वो विंडो करके, सही है ना, आप जैसे जो है वो आसानी हो उसी तरह सिलेक्ट कर ले, ये विंडो करके सिलेक्ट कर ली और ये अब मिरर कमांड एक्टिव हो जाएगी, हो गई। अब उसके बाद ज्योमेट्री पहले सिलेक्ट की हुई थी, आप मिरर कमांड पे क्लिक करें और अब आप ये देखें ये सिर्फ जो है वो नया कुछ भी नहीं हुआ, ये इक्वल कॉन्स्टेंट सारे इकट्ठे जो है वो सिंगल गो में लग गए हैं। तो आपके पास एक ये भी जो है ना वो प्रिंसिपल बन गया कि अगर आपने सिंगल गो में जो है ना वो सिमेट्रिक कॉन्स्टेंट लगाने हैं बहुत सारे किसी जो है वो ज्योमेट्री पे, तो आप मिरर कमांड डायरेक्ट अप्लाई कर दे तो उसके ऊपर जो है वो सिमेट्रिक कॉन्स्टेंट लग जाएंगे, सही है ना। तो सिमेट्रिक कॉन्स्टेंट की जो है ना वो पहचान भी जो है ना वो आपको निशान से भी पता होना चाहिए, ये भी मैं पूछ सकता हूँ कि ये कॉन्स्टेंट कौन सा है, सही है, तो इनकी शक्ल भी आपको याद होनी चाहिए इनकी, अगर आप कहें तो मैं आपको शेप बना के भी बता देता हूँ कि ये कैसे है, ठीक है ना। बस तीर के निशान अपोजिट जो है वो लगे हुए हैं एक दूसरे जो है ना वो एक लाइन की तरफ। ओके हो गया। तो आपको मिरर कमांड बता दी, यहाँ पे डिलीट सेगमेंट बता दिया, डिवाइड बता दिया, वन लास्ट ये है कि ये रोटेट रीसाइज है, याद करें अभी आपने जो है वो पैलेट की थी ना तो उसके अंदर भी आपने देखा था, अब थोड़ा सा फर्क देखना। अब मसलन मैंने ये जो ज्योमेट्री है ये सिलेक्ट की है, अब मैं करता क्या हूँ, ये रोटेट रीसाइज इस कमांड पे मैं आता हूँ, तो अब फर्क जो है वो क्या हो जाएगा, ये देखें ये रोटेट रीसाइज करके इस तरह ये आप यहाँ से इसको जो है वो रोटेट कर सकते हैं, रीसाइजिंग कर सकते हैं, ये ऊपर पैरामीटर जो है वो दिए हुए हैं, मसलन आपने जैसे स्केलिंग करनी है ये स्केल है उसका, ठीक है, ये कर सकते हैं, ये आप इधर कर सकते हैं, ठीक है ना, ये कर दिया। ओके अब ये देखें, अब ये नॉन सिमेट्रिक हो गई ना, ये देखें नॉन सिमेट्रिक लाजमी हो जाएगा चूंकि उसके ऊपर सारे कॉन्स्टेंट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा आपने मिरर करना है, कैसे करोगे भला, ये सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना, मिरर कमांड लगी हुई है,
फिर दोबारा जो है वो इस तरफ, ये देखो तो ये आपस में ये मिरर हो गए ना, वो पहले की बैटरी तो भाई वो अलग रह गई, सही है ना, चले नहीं। तो ये आ गई आपको मैंने कमांड बता दी, डिलीट सेगमेंट मिरर और उसके बाद डिवाइड और रोटेट एंड रीसाइज, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताओ यार आप, सही हो गया, चले जी, वेरी गुड। सारे जो है ना बाकी लोग भी जो है ना वो उनको ओके होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक ही स्टूडेंट की जो है ना वो फीडबैक जो है वो आ रही है, तो बाकी भी जो है वो स्टूडेंट बता दिया करें कोई मुश्किल हो तो, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारे जो है ना वो ये वर्क करोगे, मुझे मुझे यकीन है कि जो स्टूडेंट वर्क करने वाले हैं ना उनको कभी इशू हो ही नहीं सकता जो है ना वो मेरे सब्जेक्ट से, ये तो मेरी जो है ना वो एक ऐसी गारंटी है। तो बाकी भी वर्क करना शुरू कर दें, जिनके अभी मूड नहीं बन रहे ना वो अपना मूड जो है वो बना लें कि उनका सेमेस्टर शुरू हो चुका है और वो पढ़ना शुरू कर दें यार, ठीक है ना। और टीचर की बातों को कभी माइंड नहीं करते, सही है ना, टीचर ने ऐसे ही बात करनी होती है, उसने कभी भी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट तो करनी नहीं। चलें जी, खैर ये जो है वो डिलीट हो गया। अब हमने कमांड, हम हमारा जो है वो सेकंड टू लास्ट जो है वो हमारा ये है, वो है ये कांस्टेंट। ये जल्दी जल्दी आपको पहले भी पता है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट की कमांड भी है बड़ी आसान आसान, ये आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको जो है ना वो शुरू करके थोड़ा अपना नाम लिखवा रहा हूँ यार, सॉरी। ये देखिए, ये मैंने लाइन लगा दी है, फिर मैंने फॉर एग्जांपल कोई एक लाइन ये लगा दी है, ठीक है। और फिर इसी तरह मैं यार सारी कांस्टेंट साथ समझाता जाता हूँ, चलें। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल। ये वर्टिकल पे क्लिक करें, इस लाइन को एग्जैक्ट वर्टिकल करना है, क्लिक कर दें, वर्टिकल कांस्टेंट लग गया। इस पर आए, ये क्या लिखा हुआ है, हॉरिजेंटल। ये ले, इसको हॉरिजेंटल करना है तो ये हॉरिजेंटल हो गई। अच्छा, अब इसमें आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर ये हॉरिजेंटल जब हुई है तो इसकी तो भाई लेंथ भी चेंज हो गई है, तो बात ये है कि हॉरिजेंटल कांस्टेंट ने सिर्फ उसको हॉरिजेंटल करना है, उसको इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जनाब वो उसकी लेंथ कितनी है, जो कि लेंथ का आपने कोई कांस्टेंट किया हुआ ही नहीं। अगर आप इसको डायमेंशन कर देंगे ना एग्जैक्ट पहले, स्ट्रांग डायमेंशन, तो फिर वो इसकी लेंथ चेंज नहीं करेगा, सही है ना, फिर उसकी वो लेंथ चेंज नहीं करेगा। जब आपने कोई इसके ऊपर डायमेंशन दी ही नहीं तो फिर उसकी मर्जी है कि वो क्या करे। ओके हुआ। अब है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो है वो समझाने के लिए मैं अगर अंडू कर दूं, ये थी ना, अब मैं चाहता हूं कि ये दो लाइनें आपस में परपेंड, चैट ने क्या लिखता है, सर वर्टिकल में भी ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, वर्टिकल में वर्टिकल कांस्टेंट लगा दें, करना क्या पड़ेगा, वर्टिकल में वर्टिकल कांस्टेंट बस सिलेक्ट करें, उस पर लगा दें, उसमें भी ऐसे ही होगा। डायमेंशन अगर दे देंगे तो वो चेंज नहीं होगी, अगर आपने डायमेंशन नहीं पहले स्पेसिफाई की हुई तो फिर वो उसकी लेंथ वगैरह चेंज कर देगा। ले जी, परपेंडिकुलर कैसे हो गया, परपेंडिकुलर चेक करें जी। परपेंडिकुलर ये है कि ये दो सिलेक्ट करें और ये लें जी, ये आपस में देखें परपेंडिकुलर हो गए, सही है ना, ये कांस्टेंट। अच्छा, एक आप उसूल याद रखें कि जब कांस्टेंट आप कांस्टेंट कमांड की मदद से लगाते हैं तो आपको कंट्रोल बटन प्रेस नहीं करना पड़ता ऑब्जेक्ट एंटिटी सिलेक्ट करने के लिए। ये आपको जबानी ये मैं बता रहा हूँ कि जब आपने देखो ना परपेंडिकुलर सिलेक्ट किया तो आपने दो लाइनें सिलेक्ट करनी थी, तो आपने नॉर्मली सिलेक्ट कर लेने, कोई कंट्रोल बटन प्रेस नहीं करना। लेकिन अगर आप माउस की मदद से जो है ना वो इसको यानी क्लिक करके जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको क्या है कंट्रोल बटन प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर साइड मेन्यू से जो है ना वो करना पड़ेगा। मसलन कैसे, मैं बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मसलन मैंने इन दो लाइनों को परपेंडिकुलर करना है तो मैं पहली लाइन को सिलेक्ट करूंगा, अब कंट्रोल बटन प्रेस कर रहा हूँ और साथ ये लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर दी। अब ये देखिए कि ये परपेंडिकुलर कॉन्स्टेंट साथ आ गया, तो अब भी परपेंडिकुलर हो गया ना, तो अब हमें कंट्रोल बटन प्रेस करना पड़ा है। लेकिन अगर हमने ये जो है वो कांस्टेंट कमांड से लगाया तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके हुआ या नहीं हुआ। आए जी टेंजेंट कांस्टेंट पे। टेंजेंट कांस्टेंट भी बड़ा आसान है, बहुत आसान है। भला कैसे, मसलन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी मैं एक टेंजेंट के लिए लाजमी कोई आर्क या सर्कल होना चाहिए ना, उसी पे टेंजेंट होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट हो जाए तो टेंजेंट कांस्टेंट सॉरी इधर से सिलेक्ट करूंगा, इस सर्कल को सिलेक्ट कर लूंगा, लाइन को, ऑर्डर का कोई मसला नहीं। अब ये देखें ये आपस में टेंजेंट बन गए हैं,
अब प्रोड्यूस टेंजेंट है, ये देखें आप आगे जाके ऐसे टेंजेंट कर ले अगर आप इस तरह देखना चाहते हैं, ये देखें सही है या नहीं सही, ये देखें जी ये सर्कल पे टेंजेंट है। अच्छा इसमें प्रोड्यूस टेंजेंट भी लग जाते हैं ना, ओके। अब बताएं जी इसमें कोई क्वेश्चन, टेंजेंट कांस्टेंट तो बड़ा आसान था। एक अगला बहुत ही अहम है वो है जी मिड पॉइंट कांस्टेंट। प्रोड्यूस टेंजेंट का मतलब ये होता है कि वो जो अपेरेंटली नहीं लग रहा होता लेकिन आगे जब बढ़ाते हैं लाइन को तो फिर जाके वो वहां पे मिल जाता है, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस टेंजेंट, प्रोड्यूस टेंजेंट होता है लफ्ज जी। तो बात मैं बता रहा था भला क्या, मैं बता रहा था कि मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट क्या है जी, समझाने दें जी मुझे। ये मैंने एक लाइन है ये बनाई है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो ये लाइन है मैं ये कांस्टेंट तो हटा देता हूं ना, मिड पॉइंट कांस्टेंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट सुने। मिड पॉइंट कांस्टेंट के लिए एक पॉइंट होना चाहिए और एक जो है वो होनी चाहिए ज्योमेट्री। मिड पॉइंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एक होनी चाहिए ज्योमेट्री और एक होना चाहिए पॉइंट, सही है ना, ये लाजमी ये बात याद रख ले, ठीक है। अब मसलन मैं कहता हूँ कि ये सर्कल का सेंटर है वो इस लाइन के मिड पॉइंट पे एग्जैक्ट आ जाए, तो अब हमें वैसे तो मिड पॉइंट नहीं सिलेक्ट लोकेट कर सकते, हम इस सर्कल का इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, यानी इधर से पहले मिड पॉइंट सिलेक्ट कर लें। मिड पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, अब हमने इस सर्कल के इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया। अब देखें जी ये देखें, ये लाइन यानी सर्कल का जो सेंटर है वो मिड पॉइंट पे आ गया ना। अब इस लाइन को आप बेशक इंक्रीज कर लें, ये देखें तो आपको पता चल गया कि ये जो यानी ये जो सिंबल है ये है मिड पॉइंट की, ठीक है ना, तो सर्कल इसके एग्जैक्ट सेंटर पे आ गया, सही है। अब मसलन मैं आपसे एक और बात कहता हूं, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल इसका जो ये वाला पॉइंट है इस लाइन का वो इस लाइन के मिड पॉइंट पे आ जाए फॉर एग्जांपल, तो हम देखते हैं कि क्या आ सकता है या नहीं आ सकता। ये मिड पॉइंट सिलेक्ट किया और ये पॉइंट सिलेक्ट किया और ये लाइन सिलेक्ट की, ये देखें ये इसके मिड पॉइंट पे आ गया, तो आपको जो है ना वो उसूल समझ आ गया बात का, वो क्या, हाँ जी सही है ना, ये जो है वो चीज, तो ये जो है वो होता है जी इसका, यानी रिक्वायरमेंट क्या है कि दो एक पॉइंट को करता और एक ऑब्जेक्ट को करता है। मसलन मैं कहता हूँ यार मैंने यहाँ पे एक आर्क ये बना दी, ये देखें ये आर्क बन गई, अब मैं करता क्या हूँ कि मिड पॉइंट के लिए क्या काम करता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ यार ये वाला जो पॉइंट है वो इस आर के मिड पॉइंट पे आ जाए, तो ये देखें जी ये वाला पॉइंट आर के मिड पॉइंट पे आ गया, ओके हुआ या ना हुआ, सही है, चलें जी। तो अब हाँ जी हाँ जी, बाकी भी जो है ना वो सारे इंशाल्लाह जो सबको समझ आ जाएगी, ओके हुआ, वेरी गुड। अब कोई क्वेश्चन है तो यार बता दो, और भी कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो। मिड पॉइंट में मैंने रिक्वायरमेंट बता दी है कि मिड पॉइंट की कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, दो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप साथ साथ तैयारी करो तो आपको जो है ना वो फर्क लगेगा सॉफ्टवेयर का, और ये आगे मिड पॉइंट जो है वो कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है ना, has two requirements, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट